के कटेंगे भाई जान, इसको गमले में लगाकर शिष्य घर में रखना है। मार्च अप्रैल में इसका गमला बन जाएगा। सर यही है कि शौक है हर बंदे का, और हर फूल के साथ किसी को कोई फूल पसंद है, किसी को कोई। इसमें ये खूबी है कि जेरेनियम के अंदर ये हर सीजन में होता है। बाकी जो कच्चा फूल है वो एक सीजन को होता है, ये हर वक्त गमले में रहता है। इसमें ये फायदे हैं, कच्चा फूल अगर अभी आपने पनीरी ले लिया, बीज डाल लिया, मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। फिर गर्मी का फूल है वो आप अप्रैल में डालो तो जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाते हैं, और ये हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। इसमें ये खूबी है, और फूल इसका बहुत अरसा तक रहता है, जल्दी गिरता नहीं है। कच्चे जो फूल जिसको कच्चा फूल कहते हैं, जो पुराने पत्ते हैं बड़े, उसका कोई फायदा नहीं है कलम। और मुझे इस कलम की जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये हमारे काम के। इसको गमले में लगाना है और गमले से घर में रखना है, तो तब जाकर ये इंशाल्लाह सीजन के लिए काम आएगा। इसका दो कलम बनाना है, एक बल्कि तीन, एक दो तीन। कलम भी दिखा दूं, ये लियो ये लियो, ये हो गया। ये हो गया कलम, ये एक दाना यहाँ तक लगेगा मिट्टी में, ये इसका टेनी निकल आएगा, और एक एक हो गया, एक ये हो। अगर आपके पास जगह नहीं है, कम है, आठ दस दाने एक गमले में लगाओ, मार्च अप्रैल में जाकर उसको निकाल कर दूसरे गमलों में लगा सकते हैं। लोगों के पास जगह नहीं होता है, पर वो एक ही गमले में आठ दस दाने लगा लेता है। ये हो गया, ये हो गया कलम, ये हो गया दूसरा कलम। We'll be right back.